हम लोग देखेंगे कि किसी भी लिस्ट में किसी भी एरिया में लार्जेस्ट एलिमेंट कितना। अभी तक हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम 3 नंबर में, लार्जेस्ट 5 से, तो हम देखेंगे 300 हो, 5 हो, 3000 हो, जितना भी एलिमेंट हो उसमें सबसे बड़े एलिमेंट को प्रिंट करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे बड़ा लिखने कमेंट लिख दें, लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे और लिस्ट। इस तरह से दिए हुए लिस्ट में एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट को निकालना है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम वर्ड में लिख लें, फिर एक एरे डिक्लेयर कर दें, एंट ए ऑफ मान लीजिए 100 दे दें। तो ये हम लोग का जो लिस्ट जनरेट होगा 100 तक, तो ऐसे कुछ ऐसे A0, A1, A2, A3, A4, A5 अप टू कहाँ तक, A99 तक। इस तरह से मेमोरी बन जाएगा एड्रेस को भी हो। अब हम इसमें पूरे को नहीं लेंगे डेटा, एक नंबर ले लें n, तो n को डिक्लेयर कर देंगे कि कितना हमको वैल्यू रीड करना है, एरे के कितने लोकेशन पर हमें इस्तेमाल करना है, और एक लूप चलाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लें, और एक वेरिएबल और ले लें जिसमें हम जो लार्जेस्ट वाला एलिमेंट होगा उसके अंदर स्टोर कर देंगे। तो एक वैल्यू यहाँ पर एल ले लें, तो एल हम लोग क्या करेंगे, एक लार्जेस्ट इसमें निकालेंगे, ये हम लोग लिख दिए, मेमोरी लोकेट कर लिया। अब हम इसके अंदर डेटा दें, कितना डेटा देना है ये कंडीशन ले लें, प्रिंटर एंटर द लिमिट, कि कितना लिमिट तक हमें लेना है, और इसका एन है परसेंट साइन डी एम परसेंट एन, तो एन की वैल्यू सपोज हम लोगों ने 5 ले लिया। अब हम लोग दूसरा काम क्या है कि 5 तक, यहाँ पर 5 मतलब 0 से लेकर 4 तक डेटा सप्लाई करते हैं, यहाँ तक 1 2 3 4 5 एलिमेंट हो जाएगा। तो अब डेटा सप्लाई करने के लिए भी क्या है, तो मैसेज हम लोग लिख सकते हैं, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू इन द लिस्ट। तो फॉर लूप लगा दीजिए, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और यहीं पर स्कैन एरर परसेंट साइन डी एम परसेंट ए ऑफ आई। इस तरह से हम लोग डेटा दे देंगे। अब देखिए एंटर दी वैल्यू, अगर ये अंदर लिखेंगे तो बार बार पूछेगा एंटर द वैल्यू एन टाइम, मतलब जितना यहाँ पर हम लोगों ने दिया है। तो अब ये 0 से लेके ये एन की वैल्यू 5 दिया, तो 5 यहाँ 0 से लेके 5 बार वैल्यू सप्लाई कर देगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग डेटा दे दिए 5 3 8 6 2, कुछ भी हम लोगों ने डेटा दे दिया, ये 5 टाइम चलेगा जितना एन की वैल्यू हम लोगों ने इसमें दिया है। अब हम लोग का ये सवाल उठता है कि एल से हम कंपेयर करें, एल के अंदर अभी फिलहाल कोई वैल्यू हम लोगों ने नहीं दिया है तो गार्बेज वैल्यू है। तो इनिशियलाइज हम लोग अगर कर दें इससे 0 से, तो अगर कहीं 5 से कंपेयर किए, इससे किए जो लार्जेस्ट है तो वो तो आ ही जाएगा, लेकिन इनकेस अगर निगेटिव वैल्यू इसके अंदर स्टोर करते हैं, जब कंपेयर करेंगे 0 से, तो ऐसे केस में क्या होगा, 0 से कम वाला वैल्यू जो रहेगा सबसे बड़ा 0 दे देगा इसके अंदर। इसलिए हम पहले वैल्यू को लेने की कोशिश करेंगे, ना कि 0। अगर हम 0 लेंगे तो इससे कम, मान लीजिए ये सब निगेटिव होता है, ये तो सबसे बड़ा तो 0 हो जाता है, जो हम लोग के लिस्ट में नहीं है। इसलिए हम लोग करते क्या है कि जो पहला वाला वैल्यू है उसके अंदर स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर एल के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है ए और 0 को स्टोर करते हैं यहाँ पर डेटा देने के बाद। तो अब ये वाला यहाँ पर 5 आ गया। अब हमको कंपेयर चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ से कंपेयर कर लें, बाकी जो बचा हुआ ये तो ऑलरेडी है ही है, तो हम मान लीजिए यहीं से लूप चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और i इक्वल टू 0 लेस देन n i प्लस प्लस, तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि 0 से लेके n तक, लेस देन n मतलब यहाँ पर n 5 है तो 4 तक चलेगा। तो अब यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लें, इफ इसको इससे कंपेयर पहले करें कि इफ एल या इफ ए आई इज ग्रेटर देन एल,
इसका मतलब अगर ए आई स्टार्टिंग में देखिए आई कितना होगा, जीरो होगा, एन की वैल्यू फाइव है। अगर आई ग्रेटर है यहाँ पर ए ऑफ जीरो, अगर बड़ा है मतलब कितना है फाइव, लेस देन फाइव ये एल की वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर आई इक्वल टू वन के लिए चेक करेगा। आई इक्वल टू वन मतलब कि ये थ्री, तो थ्री के लिए चेक करेगा, ये फाइव का कंडीशन सही है, तो यहाँ पर फाइव, यहाँ पर ये थ्री हो गया वन वाले से कंपेयर जब किया। तो अब देखिए ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ये बड़ा हो नहीं सकता। फिर ये हमारा आ गया आई इक्वल टू टू के केस में, अब देखिए यहाँ पर टू लेस देन फाइव लूप तो सही है, फिर अंदर आ गया। तो जब इससे कंपेयर किया तो देख सकते हैं कि यहाँ एट है और एल में फाइव है, तो ये कंडीशन सही है, तो सही है, और ये बड़ा है तो बड़ा वाला इसके अंदर आ जाना चाहिए, तो ये चीज यहाँ आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब एल के अंदर ए ऑफ आई को हम लोग स्टोर करते रहे इस तरह से, ठीक। फिर उसके बाद आगे बढ़ा, आई अब कितना हो गया थ्री के केस में कंडीशन सही है। अब देखिए एल में हम लोग का एट हो चुका है और आई कितना है, आई यहाँ पर थ्री, ए थ्री, ए थ्री कितना है सिक्स, ये भी कंडीशन सही नहीं है तो अंदर नहीं गया, ये आगे आ गया यहाँ पर। फिर फोर के लिए केस चेक किया, ये भी कंडीशन सही है तो हो गया। तो अब देखिए ये भी सही है, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, तो अब ये चीज भी आ गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही फाइव होगा तो अब कंडीशन ये आके यहाँ पे फॉल्स होगा। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि इसमें जो लार्जेस्ट वाला एलिमेंट है, तो लार्जेस्ट वाला एलिमेंट है वो क्या है, एल के अंदर एट को स्टोर करा हुआ, ठीक है, यहाँ से एट। तो हम लोग इसे प्रिंट कर लेंगे बाहर, प्रिंट प्रिंटर परसेंट साइन डी, या यहीं पर लगा दें लार्ज, लार्जेस्ट इक्वल टू परसेंट साइन डी और एल को प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग लार्जेस्ट ऑफ द एरे, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उस एरे में निकाल लेंगे। एक बार फिर से ध्यान से इसको देख लीजिए, यहाँ से इनिशियलाइज किया, डेटा सप्लाई कर दिया, फिर पहले एलिमेंट को इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ लूप चला दिए, एक बार इससे कंपेयर किए, फिर इससे स्टार्टिंग वैल्यू इसके अंदर डाल दिया फाइव। अब देखिए फाइव से कंपेयर किया कोई मतलब नहीं, थ्री से कोई मतलब नहीं, एट जैसा ही बड़ा है एट को उठा के एल में, यहाँ पर हम लोग उठा के एल में डाल दिए, फिर इससे कंपेयर किए, फिर इससे किए, तो अंत में इसके अंदर लार्जेस्ट है एट और उसी को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर लार्जेस्ट इक्वल टू एट आंसर दे देगा। सबसे पहले हम लोग कमेंट लिख लें, तो कमेंट में प्रोग्राम के बारे में लिखेंगे, तो टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट और एरे, तो इसको हम लोग कमेंट क्लोज कर दिए। अब यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हैश इंक्लूड ponio.h, ये लगा दिए, void main, ये फंक्शन पैरेंथेसिस के बाद एरे को पहले डिक्लेयर कर दें, इंट ए मान लीजिए 100, ये हम लोग ले लिए एक लूप चलाने के लिए आई, फिर एक लिमिट के लिए एन और एक एल ले लें जिसमें लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर करेंगे। अब हम लोग लिमिट ले लें, प्रिंट एफ एंटर द लिमिट ऑफ एन एरे, तो एरे का जो लिमिट ले लेंगे, सपोज स्कैन के स्कैन एफ और इसके अंदर परसेंट साइन डी, यहाँ पे एम परसेंट एन ले लिए। अब इसके बाद हम लोग एरे में डेटा दे देंगे वही एन नंबर तक, तो प्रिंट
एफ एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे। इस तरह से हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे और इसे लूप चला के, कई एलिमेंट है तो लूप चलेगा और आई इक्वल टू जीरो से लेके आई लेस देन एन, फिर आई प्लस प्लस। तो ये हम लोग स्कैन कर लेंगे, चाहे तो ब्रैकेट लगा लीजिए सिंपल स्टेटमेंट, नहीं तो ऐसे भी स्कैन एफ परसेंट साइन डी, फिर एम परसेंट ए ऑफ आई से हम लोग डेटा सप्लाई कर देंगे इस तरह से, फिर क्लोज हो गया। अब हम लोग का यहाँ पर डेटा एरे में पहुँच गया। अब हम लोग क्या करें कि कंडीशन चेक करें लार्जेस्ट वाला, या एक पहला एलिमेंट एल के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को ला दें जो कि ए और जीरो वाला एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट इसमें ला दें। अब हम लोग लूप चला के फॉर आई इक्वल टू जीरो सारा कंडीशन चेक कर लेंगे हम लोग, जीरो से लेके एन माइनस वन तक, फिर आई लेस देन एन, फिर आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे अब देखिए कंडीशन हम लोग का क्या होगा कि अगर इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर, अगर ये ग्रेटर है एल से, तो हम लोग क्या करेंगे एल को उठा के यहाँ पे एल में ला दें ए ऑफ आई को, इसके अंदर स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट चाहे तो लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, चाहे तो ये लगा दीजिए ब्रैकेट यहाँ पे, फिर से एक क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। तो अब देखिए कि जो भी ये लूप को हम लोग कंप्लीट करें यहाँ पे, ये इस वाले का ये होगा लूप। अब एल में जो लार्जेस्ट होगा वो आ जाएगा, तो अब यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफ परसेंट ये डबल कोट लार्जेस्ट इक्वल टू परसेंट साइन डी, और यहाँ पे हम लोग एल को प्रिंट कर दें। तो ये लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट हो सकता है, और चाहे तो गेट सी एस यहाँ पर यूज करके देख सकते हैं, और ये प्रोग्राम कंप्लीट। अब यहीं पे देखिए एल आर एस सी आर भी हम लोग लगा सकते हैं, सी एल आर एस सी आर, तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है। तो अब इसे कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए कंट्रोल एफ नाइन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एंटर द लिमिट, मान लीजिए हम लोगों ने 5 दे दिया तो दे देगा एंटर द एलिमेंट इन द एरे, तो सपोज 6 दे दिए, 9 दे दिए, 2 दे दिए, 1 दे दिए, फिर इसी तरीके से 4, 5 दे दिए, लार्जेस्ट 9, देख सकते हैं ये आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम रन कर सेव करने के लिए यहाँ से सेव कर सकते हैं कहीं भी। तो सेव कोशिश ये होना चाहिए कि पहले ही सेव होना चाहिए, तो लार्जेस्ट डॉट सी में हम लोगों ने सब कुछ सेव कर दिया इस प्रोग्राम को। तो ऐसे हम लोग ये प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर सकते हैं।